अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। जीतेंगे तो तब जब वो राधा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और मोहन खुद अपने घुटने घिसते हुए मेरे पास चलकर आएगा। मुझसे ये कहने कि मैं उसे अपना लूं। तुम्हें लगता है ऐसा कभी होगा? बोला भी इसमें कथा कहीं का। सुना नहीं वो क्या बोलकर गया था? अभी अभी एग्जैक्टली वही हुआ ना जो मैं चाहती थी। तो आगे भी एग्जैक्टली वही होगा जो मैं चाहती हूँ, समझे तू? दामिनी, तुम्हारा प्लान तो बहुत तगड़ा था, लेकिन आगे का क्या सोचा है तुमने? क्योंकि ये लोग शांत बैठने वालों में से नहीं है, इन पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग बरसाने में हैं और हम लोग यहाँ, कैसे करेंगे ये सब? बरसाने और वृंदावन में दूरी ही कितनी है मामा जी, और आप टेंशन मत लीजिए, इन त्रिवेदियों की आगे की बर्बादी की पूरी प्लानिंग ना मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। एक बात तो आपने बिल्कुल सही कही मामा जी, इन पर हमें नजर तो रखनी होगी। पर आपको एक बात बताऊं, मैं इन त्रिवेदियों को जितनी बार भी हराऊं ना, ये फिर से अपना सर उठाकर वापस आ ही जाते हैं। साले कॉकरोच है सबके सब, मरते ही नहीं। इसलिए जब तक हम उन्हें पूरी तरह से कुचल ना देना, ये खत्म नहीं होने वाले। इसीलिए इन्हें परमानेंटली मारना ही होगा। लेकिन कैसे? कॉकरोच आया? लो, आ गया आपके सवाल का जवाब। मोहित, जो कहा था वो लेकर आए हो? जी मैडम। गुड। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।